Yes, hello friends. Today's our point is inductive effect. What is inductive effect? Inductive effect, it is one type of permanent effect. And this effect gives permanent polarity to organic compounds. One more thing. वो inductive effect क्या है? Is nothing. Displacement, you can say replacement of sigma electron along the saturated carbon chain. When more or less electronegative atom is attached with one terminal of carbon chain के साथ suppose कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैचमेंट में है. यू सी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ एक्स इज मोर कंपेयर टू कार्बन. दैट्स व्हाई ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दे में बी ड्रैग टुवर्ड द एक्स एंड एज ए रिजल्ट माइनस डेल्टा चार्ज विल अराइज ऑन एक्स एंड प्लस डेल्टा चार्ज विल अराइज ऑन कार्बन चेन. दिस इफेक्ट यस कहां तक चलती है? थ्री अप टू थ्री कार्बन तक. इसके बाद वही इनकी इफेक्ट जीरो हो जाती है. समटाइम्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज टू बी अटैच विथ कार्बन चेन. यस जेड और सी. यस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज मोर कंपेयर टू जेड. दैट्स व्हाई यह इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है. दैट्स व्हाई कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये बॉन्डिंग के सिग्मा इलेक्ट्रॉन विल ड्रैग टुवर्ड्स द कार्बन चेन. तो इनकी वजह से उनके ऊपर माइनस डेल्टा चार्ज क्रिएट होगा, उनके ऊपर प्लस डेल्टा चार्ज क्रिएट होगा. तो माइनस आई इफेक्ट इज नथिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सैचुरेटेड कार्बन चेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच विथ कार्बन चेन. अच्छा किस टाइप का ग्रुप अटैचमेंट में? एज पर टाइप ऑफ ग्रुप अटैच विथ कार्बन चेन आई इफेक्ट कैन बी क्लासिफाइड टू टाइप्स. फर्स्ट वन आई इफ माइनस आई इफेक्ट एंड सेकेंड वन प्लस आई इफेक्ट. माइनस आई इफेक्ट क्या है? When carbon chain is attached with electron withdrawing groups, otherwise you can say more electronegative groups, at that time sigma electron of CC bond will migrate towards the X atom. And this yes X atom bolo ya X group bolo sab kuch same hai. इनकी वजह से कार्बन चेन के ऊपर कंटिन्यूस प्लस चार्ज डेल्टा क्रिएट होगा एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज अ माइनस आई इफेक्ट. इन शॉर्ट वी कैन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रुप इज मोर देन हाइड्रोजन इज आल्सो नोन एज अ माइनस आई इफेक्ट. देर आर सम गुड फ्लोरिन इज ग्रेटर देन क्लोरिन इज ग्रेटर देन ब्रोमिन इज ग्रेटर देन आयोडीन इज ग्रेटर देन हाइड्रोक्सी इज ग्रेटर देन अल्कोक्सी इज ग्रेटर देन एमिनो इज ग्रेटर देन फिनाइल इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन. ये सब ग्रुप की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी हाइड्रोजन से ज्यादा है तो दैट्स वाई दे विल अट्रैक्ट द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर टूवर्ड्स देमसेल्फ. एज ए रिजल्ट कार्बन के चेन पे प्लस डेल्टा चार्ज क्रिएट होगा एंड दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इज नोन एज ए माइनस आई इफेक्ट. समटाइम्स द ग्रुप्स विच आर यस इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप्स अदरवाइज दे हैव इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ ग्रुप लेस देन हाइड्रोजन. ऐसे ग्रुप की जिसकी इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी को यस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कैपेसिटी हाइड्रोजन से कम हो ऐसे ग्रुप यदि कार्बन चेन के साथ जुड़े हैं
इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी अट्रैक्टिंग कैपेसिटी कम हो मीन्स इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग कैपेसिटी ज्यादा हो, तो ये सब ड्यूटेरियम हाइड्रोजन इज मोर देन, ड्यूटेरियम इज मोर देन मिथाइल इज मोर देन इथाइल, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है। यदि इन लोगों की इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग कैपेसिटी ज्यादा है, दे विल पुश द सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द कार्बन चेन, एज ए रिजल्ट दिस टाइप ऑफ ग्रुप्स विल एक्वायर प्लस डेल्टा चार्ज एंड ऑन कार्बन चेन माइनस डेल्टा चार्ज विल अराइज। एंड दिस इफेक्ट कहां तक चलती है, सिर्फ तीन कार्बन तक ही चलेगी, इससे बात जीरो हो जाती है। तो इनकी वजह से यस कंपाउंड में पोलारिटी इंट्रोड्यूस होती है, इट विल गिव्स परमानेंट पोलारिटी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ए परमानेंट इफेक्ट। बाय यूजिंग दिस इफेक्ट वी कैन डिसाइड द बेसिसिटी ऑफ कंपाउंड। सपोज यस इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग कैपेसिटी ऑफ मिथाइल ग्रुप इज मोर कंपेयर टू हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई वी कैन से मिथाइल एमाइन इज मोर बेसिक कंपेयर टू एमोनिया। इन एमोनिया को इस फॉर्म में लिखे एच सिंगल बॉन्ड एन एच टू। व्हाट इज द बेस, एज पर लुईस थियरी द कंपाउंड विच इज रेडी टू डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां इन एनएच थ्री अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी लेस कंपेयर टू मिथाइल एमाइन, बिकॉज मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, दैट्स व्हाई रिपल्सन लगेगा इन ए इलेक्ट्रॉन का, ए लॉन पे इलेक्ट्रॉन पे, और दैट्स व्हाई बेसिसिटी ऑफ मिथाइल एमाइन विल बी ग्रेटर देन एमोनिया। ये एसिडिटी भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट कुछ नहीं है, सेचुरेटेड कार्बन के साथ कार्बन चेन के एक टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का अपनी ओर खींचेगा, इनकी वजह से कार्बन चेन में प्लस चार्ज डेल्टा क्रिएट होगा, कार्बन चेन पे प्लस डेल्टा चार्ज क्रिएट होगा, और वो ग्रुप अपना माइनस चार्ज बेयर करता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ए माइनस आई इफेक्ट। यदि तो कार्बन चेन के साथ इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो वो रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को कार्बन चेन की ओर, इनकी वजह से ये ग्रुप पे प्लस डेल्टा चार्ज क्रिएट होता है। तो प्लस डेल्टा चार्ज क्रिएट करने वाले इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप वाले सब को प्लस आई इफेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है। तो ये हो गया अपना इंडक्टिव इफेक्ट। यस ओके, नेक्स्ट टाइम वी विल सी अबाउट रेजोनेंस और मेसोमेरिक या संस्पंदन इफेक्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच वृंदा।